हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करते हैं एसपी गुरु चैनल में, जहां पर आप लोग आज देखेंगे पीटीएससी का आंसर की कैसे देखा जाएगा। तो जो 2023 में पीटीएससी का एग्ज़ाम लिया गया था, उसका आंसर की देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसे फॉलो करके अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आपको गूगल पे ऐसे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, सर्च करना है एसपी गुरु पटना, ठीक है। एसपी गुरु कर पटना करके आपको सर्च करना है। जैसे करेंगे उसको सर्च करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, उस पेज पर आप नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे जाने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा, वेबसाइट खुलेगा, जहां पर आपको गौर से देखना studyplanetguru.com। जैसा ऐसे दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। हमने ऐसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। पेज खुलने के बाद जैसे ही पेज खुलेगा आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के लिए रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जस्ट जाएंगे तो पीटीएससी आंसर कीज दिखाई देगा, ठीक है। तो पीटीएससी आंसर कीज में आपने जो एग्ज़ाम दिया उसका आंसर की यहाँ दिखाई देगा, तो आप इसको क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह का पेज खुल जाएगा तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आंसर की 2023 दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ 5 नवंबर 2023 जिस डेट को आपने एग्जामिनेशन दिया था उस डेट का आंसर की यहां पर मैच कर लेना है। आपने जिस डेट को दिया था उस डेट को आप देख लेंगे और अपना कोड भी देख लेंगे कि आपका जो क्वेश्चन आपने आपके पास होंगे जिसमें आपने एग्जामिनेशन दिया था, जो क्वेश्चन होगा उस पर कोड लिखा होगा 9PPJK, वो कोड चेक कर लेंगे। कोड अगर मैच करेगा उसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी का आपका आंसर की यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने 8 तारीख को एग्जामिनेशन दिया है, 8 नवंबर को दिया है, तो उसका कोड है 8PJK और सेट ए और सी का यहाँ पर आंसर की दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए हम एग्जांपल में 5 नवंबर को ओपन करते हैं, तो ऐसे इसको क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे एक पीडीएफ खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह का पीडीएफ खुल जाएगा, पीडीएफ को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने पीटीएससी आंसर की 5 नवंबर 2023 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चेक करेंगे 9PJK और आंसर की 5 नवंबर 2023। और यहाँ पर सेट ए के बारे में, जो सेट ए आपके पास जो सेट का क्वेश्चन होगा उस सेट से अपना आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। आंसर की का मतलब होता है कि आपने जितने 100 क्वेश्चन का सही जवाब क्या है वो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। आप अपने सेट के अनुसार से यहाँ मैच कर सकते हैं। यहाँ ऊपर दिया सेट ए के बारे में, फिर सेट बी के बारे में, सेट सी के बारे में और सेट डी के बारे में। तो अपना अपना आंसर यहाँ पर देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, ठीक है। ये आपका सिर्फ आंसर की है। उसके अनुसार कुछ ही दिन बाद हम लोग आपका रिजल्ट भी निकालेंगे और रिजल्ट देखने के लिए आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। और उसके लिए आपने आंसर की के लिए यहाँ पे देखे www.studyplanetguru.com पे गए थे, वैसे ही आपको कहाँ जाना है इसी तरह से फॉलो करते हुए अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो कुछ दिन बाद वो भी रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, उसके लिए आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप ऐसे जाकर के अपना आंसर की देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर ले और लाइक कर ले, और भी वीडियोज यहाँ पर है बहुत सारी क्लासेस का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।